आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मेरे साथ मौजूद है रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी, जिनसे जानते हैं आज। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आयु रेखा के अलावा मणिबंध रेखा से कैसे पता चलती है उम्र। जिस जगह पर हथेली और हाथ जोड़ते हैं उसे कलाई कहते हैं। कलाई पर कुछ लाइनें बनती हैं, इन्हीं लाइंस को मणिबंध रेखा या ब्रेसलेट लाइंस कहते हैं। ये रेखाएं आयु और जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। समुद्र शास्त्र और हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार यदि व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध रेखा है तो वह 25 वर्ष की आयु दर्शाती है। इसी तरह रेखाएं दो हो तो जातक की आयु 50 साल, तीन हो तो 75, और अगर ये रेखाएं चार हैं तो जातक बेहद सफल, संपन्न और दीर्घायु होता है। मणिबंध रेखा से अगर कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जाए, जीवन रेखा में विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। हाथ में दो या चार मणिबंध रेखाएं का होना जातक के जीवन में प्रथम संतान कन्या का संकेत देती है, और विषम जैसे एक और तीन मणिबंध रेखाएं प्रथम संतान के पुत्र होने का संकेत देती हैं। यदि मणिबंध रेखाएं टूटी हुई, कटी फटी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं और परेशानियां आती हैं। मणिबंध रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हो तो व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय होता है। मणिबंध रेखा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। मणिबंध रेखा पर बिंदु हो तो जीवन भर पेट के रोगों से परेशान रहता है। यदि रेखा पर स्वास्थ्य चिन्ह बना हुआ हो तो सौभाग्य का सूचक है। दीप का चिन्ह मणिबंध पर हो तो उसे बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मणिबंध रेखा गहरी, लाल और स्पष्ट हो तो व्यक्ति की सर्वत्र रक्षा होती है, संकटों से बचाव होता है। यदि दो मणिबंध रेखाएं हो तो और आपस में मिल जाती हो तो दुर्घटना में अंग भंग होने का योग बना देता है। इन रेखाओं का रंग नीलापन लिए हुए हो तो व्यक्ति रोगी होता है। पीली मणिबंध रेखाएं विश्वासघात की सूचक हैं।